टेंथ मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले हमने इस चैप्टर का है जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्नावली है जो कर चुके हैं। ये हमारा चौथा प्रश्नावली है, यानी 13.4 हम बनाने वाले हैं। उससे पहले इसमें उपयोग होने वाले जो नियम है उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो 13.4 में यूज होने वाले हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो इस हम 13.4 में हम पढ़ने वाले हैं छिन्नक के बारे में। जो छिन्नक होता क्या है, जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक है। छिन्नक है जो शंकु का ऊपरी भाग कटा हुआ जो होता है, अगर ऊपरी भाग यानी ये शंकु है, इस शंकु के हम ऊपरी भाग यानी यहाँ से काट दें और काट कर हटा दें तो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जैसे हम कह सकते हैं हमारे घर में उपयोग होने वाले ग्लास बाल्टी जो होते हैं वो इस तरह का ये छिन्नक ही होता है, या सर पे पहना हुआ टोपी ये जो होता है वो भी कुछ इस प्रकार का ही टोपी होता है, ठीक है। एक इस प्रकार का भी टोपी होता है, इस प्रकार का भी टोपी होता है, और भी एक दो प्रकार का होता है। तो कुछ टोपियाँ इस प्रकार का भी होता है जिसे हम छिन्नक कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं छिन्नक के बारे में। तो देखिए, छिन्नक को यानी शंकु को, शंकु का ऊपरी भाग जब हम काट कर हटा देते हैं तो छिन्नक बनता है, ठीक है। तो देखिए, जो छिन्नक का जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर एक वृत्त है और इसके नीचे भी एक वृत्त है, जिसमें हम एक R1 मान लिए हैं और बड़े वाले को R2 मान लिए हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो ये तिरछी भुजा जो है ये कहलाता है हमारा L, तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमारा हाइट है, ये हमारा हाइट है जिसको हमने H से प्रदर्शित किया है। तो क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, ये हमारा जो है ये R1, नीचे वाला जो वृत्त बन रहा है वो R2, और ये जो हमारा है वो H, और ये हमारा जो है वो हमारा तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। इसी को हम छिन्नक कहते हैं। आइए सूत्र की ओर चलते हैं, यानी फॉर्मूला। देखिए, पहले हम बात करते हैं छिन्नक का आयतन। आयतन के बारे में तो आप समझ ही रहे होंगे, आयतन होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जितना से जितना हवा भरा जाए वही भरा हुआ जो जगह यानी स्थान घेरता है उसे हम आयतन कहते हैं। तो हमारा छिन्नक का आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो 1/3 πH, 1/3 πH R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं जो एरिया होता है, ठीक है, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा छिन्नक का पाई R1 प्लस R2 इंटू L, या पाई L इंटू R1 प्लस R2 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई होती है यानी L जो है वो हमारा होता है रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 सॉरी R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर छिन्नक का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसका चारों ओर, ठीक है, और ये ऊपरी सतह और एक निचली सतह जो वृत्त बना रहा है ना, तो हम कहते हैं कि जो हमारा हो जाएगा वो होगा L R1 प्लस R2 L R1 प्लस R2 प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर। ये हमारा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, इसमें है जो प्रश्न में बहुत जगह उपयोग किया गया है इस शब्द का, धारिता का। तो आइए जान लेते हैं धारिता क्या होता है। धारिता को ही हम आयतन कहते हैं, या तो हम आयतन कहें या धारिता कहें, बात दोनों समान है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे बातों को। तो आइए हम 13.4 प्रश्नावली की ओर चलते हैं, जिसमें हम पहला प्रश्न बनाएंगे। आइए, प्रश्नावली 13.4। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर हमें रखना है 22/7 लेना है, ठीक है। प्रश्न है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारा छिन्नक होता है उसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, तो एक त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। देखिए, दिया हुआ है धारिता, यानी कि हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर है जो चित्र चित्र है जो कुछ इस प्रकार से है, जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार एक ग्लास है। देखिए हमारे जो घरों में ग्लास होते हैं वो ग्लास कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रखा है कि हमें है जो इन मतलब कि व्यास दिया हुआ है, ठीक है, यानी व्यास एक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यानी बड़े वाले का होगा, और एक 2 सेंटीमीटर छोटे वाले का होगा, ठीक है। और इसकी जो इस गिलास की ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कहने का मतलब है हम R1 निकाल लेंगे, R2 निकाल लेंगे और H हमें दे रखा है, यानी कि R1 हमारा हो जाएगा, हम व्यास है जो 4 है, तो इस 4 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो 2 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा R1 होगा। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर R2 का व्यास है, यानी कि जब इसको हम फिर 2 से भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि व्यास बराबर होता है, सॉरी त्रिज्या बराबर होता है, व्यास बटा 2 होता है सूत्र, ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे इस गिलास की धारिता यानी आयतन, यानी हम कह सकते हैं वॉल्यूम। तो अभी अभी हम हैं जो आयतन का अभी हम चर्चा किए थे, सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, ठीक है। तो आइए इस पर हम मान रखते हैं और मान रखकर इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 1/3 हो जाएगा, पाई का मान है जो हमें रखना है 22/7, क्योंकि पाई का मान और कोई दूसरा दिया गया नहीं है। एच हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो उसको हम रख देते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए R1 हमारा क्या है, R1 हमारा 2 सेंटीमीटर है, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। R2 कितना है, 1 सेंटीमीटर आया है त्रिज्या, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। R1 है हमारा 2 गुने R2 है हमारा 1, ठीक है। आइए इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 होगा ना, 3 है ये, ठीक है। तो देखिए कुछ कट रहा है, तो कट रहा है 7 से 14 कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 22 गुने 2 हो जाएगा 44/3 ब्रैकेट में, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, 1 गुना 2 हो जाएगा 2। आगे ये देखिए 44/3, 4 जोड़ 1 हो जाएगा 5, और 5 और 2 हो जाएगा 7, ठीक है। जब आप 44 को 7 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो हमें निकालना था धारिता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप जो परिधियां हैं 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम है जो इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा जो चित्र है कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि देखिए इस छिन्नक के ऊपर एक वृत्त है और इस छिन्नक के नीचे भी एक वृत्त है। इसकी जो परिधि है वो 18 सेंटीमीटर है यानी बड़ा वाला, और ये 6 सेंटीमीटर है जो छोटा वाला, और इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है जो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें निकालना है इस छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर R1 R2 तो दिया हुआ नहीं है, तो हम इन दोनों परिधि की मदद से हम है जो R1 और R2 निकालेंगे। तो आइए मान लेते हैं, माना छिन्नक की जो परिधि है वो R1 बा R2 है। तो प्रथम वृत्तीय परिमाप यानी प्रथम जो पहला है वो परिमाप कितना है, 18 है। ऐसे हम जानते हैं वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हो जाएगा 2π, ठीक है, r 18। देखिए 2π को अगर उधर हम ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा r1 बराबर 18/2π। इस 2 से इस 18 को हम काटते हैं तो हो जाएगा 9/π हो जाएगा। ये 9/ जो पाई आया है वो हमारा R1 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम R2 की बात करें तो द्वितीय वृत्तीय परिमाप जो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम जानते हैं वृत्त का परिमाप बराबर होता है R πr, ठीक है, 2πr होता है जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जब हम R2 की बात करेंगे तो 2π है जो उधर जाएगा तो हो जाएगा बटा में, इसको इससे क्या कर देंगे हम काटेंगे, तो काटने पर हमारा जो बचेगा R2 बराबर हमारा आ जाएगा 3/π आ जाएगा, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने R1 और R2 हमने है जो निकाल लिया, ठीक है। अब हम छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई, ठीक है, R1 प्लस R2 इंटू L होता है, ठीक है। L हमें दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो आइए हम रखते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे पाई का जो हमारा मान है, यहाँ पे पाई को रहने देते हैं, अभी पहले लिखते हैं R1 हमारा कितना आया है, R1 हमारा आया है 9/π, R2 हमारा आया है 3/π और L हमारा है 4, ये हमें दे रखा है, ठीक है। देखिए जब इन दोनों को हम
करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, ठीक है, इनटू दोनों का बेस है जो बराबर है, यानी इन दोनों जुटेगा तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 हो जाएगा 12 बटे पाई, और इनटू में है 4, इस पाई से ये पाई है जो ख़त्म हो गया, 12 गुने 4, 12 गुने 4 हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 12 गुने 4 हमारा हो जाएगा 1248 सेंटीमीटर क्यों आज सॉरी स्क्वायर आएगा ना स्क्वायर, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, दिखाई गई 13.24, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाए गए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए तुर्की का टोपी है, ठीक है, हम बताए थे ना टोपी 3-4 प्रकार के होते हैं, तो एक टोपी है जो मतलब ये छिन्नक आकार का भी होता है, तो ऊपरी सिरा प्रश्न में ही कह रखा है, ऊपरी सिरा जो दिया हुआ है वो त्रिज्या इसकी जो है वो 4 सेंटीमीटर और नीचे वाले का जो है वो 10 सेंटीमीटर और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है यानी एल है जो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमें इसका पदार्थ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम, हमने यहाँ पर टोपी बना रखा है, यही हमारा प्रश्न है। तो देखिए वहाँ पर कह रहा था ये जो ऊपर वाला जो त्रिज्या है वो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला जो त्रिज्या दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है। तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हो गया 15 सेंटीमीटर, छिन्नक का त्रिज्या हो गया R1 हो गया 10 और त्रिज्या R2 हो गया 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए टोपी जब बनता है तो ये टोपी तो नीचे से खाली होगा, ठीक है, जिसको हम पहनते हैं, और ऊपर से है जो ढका हुआ रहेगा, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये ऊपरी जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी हम कुछ इस प्रकार से और समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है छिन्नक का, इसके ऊपर जो है वो वृत्ताकार है, तो इस वृत्ताकार भाग को भी हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में जोड़ेंगे, तब ना जाके टोपी बनेगा, और नीचे से खुला हुआ है और ऊपर से है जो बंद है, ठीक है। तो इस टोपी को बनाने में लगा पदार्थ कितना होगा वही हमें बताना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और इसका हम क्षेत्रफल दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी टोपी बनाने के लिए कुल वस्त्र जो हमें आवश्यकता होगी, ठीक है, मतलब कि जो वस्त्र होगा कपड़ा होगा, छिन्नक के क्षेत्रफल में हम है जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए हम जानते हैं छिन्नक का जो हमारा क्षेत्र, तो देखिए तो यहाँ पर छिन्नक का जो क्षेत्रफल होगा वो छिन्नक का क्षेत्रफल होता क्या है, तो छिन्नक का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आइए यहाँ पर हम यहाँ पर पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं पाई का मान हमें रखना है 22/7, यहाँ R1 है जो 10, R2 है जो 4, L है जो हमें 15 दिया हुआ है, R2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 का हमें स्क्वायर करना है, ब्रैकेट बंद, 22/7, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, 14 प्लस मतलब 14 इंटू 15 प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों को जब हम गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 14 गुने जो 15 है वो हमारा आ जाएगा 210, 14 गुने 15 जब आप कीजिएगा तो 210 प्लस 16, 210 में 16 को जब हम जोड़ेंगे, 216 को जब हम मतलब 16 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है, 10 है ना 226 हो जाएगा, सॉरी 210 में एक मतलब 16 को जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा। जब आप 226 से इस 22 को गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 4972, हमने गुना कर रखा है, बटा में 7, यही तो हमें पूछ रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 और 20 सेंटीमीटर है, तो हमें 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम उसका आयतन निकालेंगे और 20 उसमें है जो गुणा कर लेंगे, ठीक है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है, जहां हमें पाई बराबर रखना है 3.14 रखना है, ठीक है। तो इसमें दो तरह से दो प्रश्न पूछे गए हैं, हमें उसे है जो हल करना है, तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं।
तो देखिए प्रश्न में कह रखा है कि जो चादर से बना हुआ जो बर्तन है वो कुछ इस प्रकार का है छिन्नक, ठीक है, जिसकी एक त्रिज्याएं 20 है, यानी बड़ा वाला जो होगा त्रिज्या वो 20 होगा और छोटा वाला त्रिज्या 8 होगा। इसकी छिन्नक की जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर प्रश्न में ही दे रखा है, हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो आइए छिन्नक की त्रिज्याएं, तो छिन्नक की त्रिज्याएं क्या है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और R2 जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस छिन्नक का जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई होती है बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2, या R2 का स्क्वायर माइनस R1 का, सॉरी R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होता है, ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट h का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो प्रश्न में ही दे रखा है h जो है हमारा दे रखा है 16, यानी हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस R2 जो है हमारा, ठीक है, 8 है, यानी इधर हमको मतलब ये लिखना चाहिए था, चलिए बड़ा वाला को पहले लिख देते हैं, छोटे वाले को बाद में लिख देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर 8 माइनस 20 होता जिस हिसाब से हम लोग R1 और R2 दिए हैं, लेकिन देखिए जब भी घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, इसीलिए हमने 20 को पहले लिख दिया और 8 को बाद में लिखा। आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं 16 का हमारा जो स्क्वायर होता है 256 होता है, 16 गुना 16 256, 20 में से देखिए यहाँ पर जब 8 जाएगा तो हमारे पास 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, रूट में। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 400, और इस 400 को जब हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो हमारा 20 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो 20, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी 400 को हम रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा 20, तो हमारा तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 20, ठीक है। अब हम हैं जो उस बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं, आयतन का मतलब हुआ उस बर्तन में कितना दूध है जो डाला जा सकता है। तो हम जानते हैं छिन्नक का जो हमारा आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर1 का स्क्वायर प्लस आर2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, हम जानते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हो गया हमें पाई बराबर कितना रखना है, 3.14 रखना है, ठीक है, बटा में क्या है 3 है, ठीक है। H हमें कितना दे रखा है, H हमें 16 दे रखा है, R1 हमारा कितना है, R1 हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस R2 हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 8 हो जाएगा R1 इंटू R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 इंटू 16 हो गया, 20 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने देखा था 400, 400 का स्क्वायर 20 होता है, ठीक है, सॉरी 20 का स्क्वायर 400 होता है, 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 20 गुने 8 हो जाएगा 160, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इंटू 16, जब हम सबको जोड़ेंगे, जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सबको हमारे जोड़ने पर आ जाएगा 624 आ रहा है, है ना। इस 624 को हम 3 से जब हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 208 आ जाएगा, ये हमने पहले से गुणा करके रखे हुए थे, ठीक है। अब देखिए आगे, तो अब हो जाएगा यहाँ पे हमारा बच गया 3 × 14 16 गुने 208, ठीक है। जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इन दोनों को 16 से जब आप गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 3328, ठीक है ना, और जब इसको आप इसे गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10449, ठीक है, चार चार नौ पॉइंट नौ दो, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। अब हमें है जो इसे, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर को हम है जो लीटर में बदल लेते हैं, तो आइए इसको हम लीटर में बदल, तो लीटर में हम बदलेंगे तो हमारा है कितना है 10449.92 है। इसको हमें लीटर्स में बदलने के लिए इसे हम कितना से भाग देंगे, 1000 से हम इसको भाग देते हैं, तो 1000 से जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 है, यानी कि 3 अंक बाद पॉइंट हमें बैठाना है, तो यहाँ पर तो पॉइंट है, यहाँ से 3 अंक गिना 1, 2, 3, यानी हो जाएगा 10.44992, ठीक है, ये हमारा लीटर आ गया, क्या आया, लीटर आ गया। तो देखिए इस तरह से जब पॉइंट के बाद जब 3, 2 से ज़्यादा संख्याएं आती है तो हमें करना क्या है कि हम है जो 10 पॉइंट इसको लिख देते हैं, ठीक है, और देखिए 1 अंक 4, ठीक है, 4 के बाद
यहाँ पर देखिए एक बढ़ा दीजिए, इस चार में एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच, यानी कि हम कह सकते हैं 10.45, यानी पाँच के लगभग ये है जो है, ठीक है इतना, तो हमारा आ गया 10.45 लीटर, ठीक है, इसे हमने लीटर में बदल लिया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रखा है कि ये जो हमारा ये लीटर आया है, ये हमारा क्या है, आयतन आया है, वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, ये हमारा आयतन आया है, ठीक है। प्रश्न में ही कह रखा है कि यहाँ पर एक लीटर दूध का जो कीमत है वो 20 रुपया है, एक लीटर दूध का जो मतलब मूल्य है वो 20 रुपया है, तो इतना लीटर दूध का क्या हो जाएगा, तो इसमें हम है जो 20 से गुणा कर देंगे, आइए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो एक लीटर दूध की कीमत है जो 20 रुपया है, तो 10.45 लीटर दूध का कितना हो जाएगा, तो हम 10.45 × 20 जब हम करेंगे, तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बैठेगा, ठीक है, 20 × 5 इसको काट देंगे, 5 से जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 209, ठीक है, 209 रुपया, ठीक है, 209 रुपया है जो उसको उस बर्तन में भरे दूध का कीमत लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें है जो एक और प्रश्न है, दो प्रश्न पूछे गए थे, इसमें दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल हमें निकालना था। प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, देखिए आइए हम चित्र में देखते हैं, यहाँ पर जो हम चित्र बनाए थे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस चादर का क्षेत्रफल होगा, इस चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इस वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इस चादर के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल को हमें क्या करना होगा, इसको नहीं, ये तो ऊपर से खाली है, नीचे वाले इसको, इसको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, इसे हमें जोड़ना होगा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको है जो जोड़ना होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर से खाली है, यानी ऊपर में चादर नहीं है, लेकिन ये नीचे से है जो ढका हुआ है, तब ना किसी भी द्रव्य को जब अंदर डालते हैं तो क्या रहता है, इसके अंदर रहता है, अगर यहाँ पर नहीं कुछ चादर रहेगा या कोई पदार्थ रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो बाहर बह जाएगा, इसीलिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस वृत्त, ये जो निचला वृत्त है, इसका हमें क्षेत्रफल को क्या करना होगा, उसमें जोड़ना होगा। तो आइए करते हैं, तो छिन्नक का क्षेत्रफल में हम वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम जानते हैं जो हमारा छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल हो गया, अब वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर 2 लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाला हमें मतलब त्रिज्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई बराबर हम जानते हैं 3.14 रखना है, आर वन हमारा 20 है, आर टू हमारा 8 है, एल हमने निकाला है, एल हमने अभी निकाला था क्या, एल हमने निकाला है 20 प्लस पाई का मान हमें रखना है और 8, ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें भी 3.14 है, इसमें भी 3.14 है, दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम दोनों को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28 × 20 प्लस, इसको तो हमने कॉमन ले लिया है, 8 × 8 हो जाएगा 64 ब्रैकेट में, बात को समझ पा रहे होंगे। 28 से जब हम इसको गुना करेंगे, 28 से जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 × 56 इधर 64, इधर है 3.14, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा हमारा इनटू, ठीक है, 4 × 6 = 12 और ये हो जाएगा 24, ठीक है, इतना आ गया। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.36 cm², ये हमारा आ गया, ठीक। प्रश्न में ही और कह रखा है कि जो हमारा 100 cm² की जो लागत है वो 8 रुपये है, ठीक है, तो 1 cm का कितना होगा, 1 cm की लागत कितना होगा, तो इस 8 में हम 100 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 cm = 8/100 है, तो देखिए कितना आया था हमारा 19, 59, 36 को जब हम, ठीक है, की लागत जब हम निकालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जब हम निकालेंगे तो हमें इसको है जो इतना से गुना करना होगा 100 से, ठीक है। तो जब आप इसमें 8 से जब आप इसमें गुना करते हैं, 8 से जब इसमें गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 15, 67, 4, 8, 8 बटा में कितना है, बटा में 100 है, ये बचा हुआ। दो अंक बाद पॉइंट देना है, अभी हमने देखा था, तो दो अंक बाद यहाँ आएगा, यानी 156.7488 आ जाएगा, है ना, यही हमारा आंसर आ गया, रुपया लगेगा, ठीक है। इसको भी आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, एक अंक बाद ये 4 है तो एक बढ़ा दीजिए, 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी आ गया 156 रुपया 75 पैसा आ गया,
ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। प्रश्न थोड़ा देखने में बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान था। अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्नावली का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से हटाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आकार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें छिन्नक का व्यास 1/16 हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम त्रिज्या निकालेंगे इसको 2 से भाग देकर, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक शंकु है और इस शंकु के बीचों बीच से काटा गया है। देखिए तो इसके बीचों बीच से जब हम काटेंगे तो काटने के बाद ये एक छिन्नक का रूप ले लेगा, यहाँ पर समझ गए ना। तो उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस शंकु का जो कोण है ऊपरी तल पर जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए किसी भी कोण को अगर समद्विभाजक करे, समद्विभाजक मतलब कि उस कोण को बीचों बीच से जब काटा जाता है तो अगर ये 60 डिग्री का है तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो जाएगा। बात को समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री, यानी कि उस कोण को समान कोण मतलब कि में बांटता है, यानी कि ये 60 है तो इसका समान आधा आधा हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा कोण, ठीक है। तो इसके बीचों बीच से भी काटा जाता है। तो देखिए एक त्रिभुज अगर हम कहें तो AOD बन रहा है और एक त्रिभुज हम मान लेते हैं AOC। तो देखिए AOC में यानी AOC इसकी बात करें, उसको हमने यहाँ पर बना रखा है आधा, तो पूरा डिग्री 60 था तो इसका आधा डिग्री कितना हो जाएगा? 30। इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वो दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। इस पूरे शंकु की जो ऊंचाई है वो 20 दे रखा है, तो आधा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो 10 होगा और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। यानी ये 20 है तो 20 को हम आधा करेंगे तब 10 इधर रह जाएगा, 10 इधर रह जाएगा। तो इस 10 की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है 10 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होता है? 10 का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारा 10 30 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या है? 30 डिग्री। 10 30 बराबर होता क्या है? L4 लंब और A4 आधार, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो 10 30 डिग्री बराबर हमारा जो लंब है, लंब यानी कि AO और O डैश है, ठीक है। AO डैश बटे, ठीक है, आधार क्या है? आधार हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर से हम देखते हैं तो ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ओ डैश सी जो है वो हमारा लंब है और आधार हमारा हो जाएगा AO डैश, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, ये जो O-C है, O-C कहाँ है? O-C, तो O-C को हम स्मॉल r मान लेते हैं और OD को हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए O मतलब O-C और C को हम r मान लेते हैं और OD को हम r मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा स्मॉल r बटा 10, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए उधर ये जाएगा तो इधर भागा में इधर आके गुने में हो जाएगा, यानी 10/√3 हो जाएगा। हम जानते हैं जब नीचे √3 रहता है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारा आर आ गया। फिर इधर हम देखते हैं तो इधर देखिए उसी तरह से हम बड़ा वाला ले लेते हैं AOD। तो ये तो पूरे 20 है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है वो क्या है? 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, फिर से लिख लेते हैं कि 10 30 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 10 30 का मान उसी तरह से हो जाएगा √1/√3। लंब यहाँ पर से हम देखते हैं तो ये हमारा OD है जो लंब है और AO है जो आधार है, यानी कैपिटल R हो जाएगा और बटा में कैपिटल R और ये हमारा 20 हो जाएगा, आधार है जो, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए R बराबर हो जाएगा, ये 20 उधर जाएगा तो 20/√3 हो जाएगा, तो कैपिटल R हमारा ये हो गया,
ठीक है। इसी को कह रखा है प्रश्न में कि शंकु को जब काटा जाता है तो एक छिन्नक बनता है, ठीक है। यहाँ की बात कर रहे हैं इस छिन्नक की, ये जो छिन्नक बना है यहाँ से, इस छिन्नक को गला इस कर, छिन्नक वो गला कर एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल आर अभी हमने निकाला है 10/√3 निकाला है, और कैपिटल आर अभी हमने निकाला है 20/√3 निकाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो व्यास दिया हुआ है, ठीक है, उस तार का व्यास दे रखा था 1/16 दे रखा था प्रश्न में ही, तो इसको हम 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देंगे। व्यास हमें दे रखा था 1/16, इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा 1/32 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला से गुना हो जाता है, 16 × 32 हो जाता है, 16 × 32 हो गया। अब हमें करना है छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, तो छिन्नक का आयतन होता क्या है, तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh r1² + कैपिटल आर का स्क्वायर फिर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बराबर तार, तार है जो एक बेलनाकार है, देखिए तार है जो एक बेलनाकार है, तो पाई आर 1 इसको मान लेते हैं इसके आर को, और एच, एच है जो हमारा क्या है, एल है, एच है जो हमारा, यहाँ पर देखिए एच बराबर हमने यहाँ पर कह सकते हैं एच बराबर हमारा क्या दिया हुआ, एल दिया हुआ है तार का, तो एल हम रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कटेगा क्या क्या, तो हमारा ये पाई से पाई है जो कट जाएगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं, तो चलिए सबका मान हम रखते चलते हैं, तो हमारा इस तरह से क्या है, पहले 1/3, ठीक है, एच के जगह पर एच हमारा कितना है, एच हमारा है 10 इंटू स्मॉल आर हमारा कितना आया है, स्मॉल आर हमारा आया है 10/√3 आया है, ठीक है, 10/√3 प्लस होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये आया है 20/√3 का स्क्वायर प्लस r1 × r2 कितना है 20/√3 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10/3, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 3 बचेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर 400, √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, प्लस 20 × 10 है जो हमारा हो जाएगा 200, √3 × √3 जब करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बात को समझ पा रहे होंगे, आगे देखते हैं, तो आगे हमारा है 10/√3। अब देखिए सबका एलसीएम 3 है, तो एलसीएम 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या है 100 + 400 + 200, 10/ करेंगे 100 और 400 कितना हो गया 500, 500 और 200 हो जाएगा 700, 700/ हमारा हो गया 700, ठीक है, 3 हो गया, बात को समझ पा रहे होंगे, ये हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हमने क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हमने है जो इसको नहीं लिखा है, इधर भी तो है बराबर की इधर है, तो बराबर की इधर हमारा क्या है आर वन, तो कितना है 32, यानी 1/32 का स्क्वायर करना है, इंटू एल हमारा नहीं दिया हुआ है, वही तो हमें निकालना है, इंटू एल भी है, ठीक है, थोड़ा सा छूट गया था, सब कुछ वही है, कहीं भी मिस्टेक नहीं हुआ है। तो बराबर की इधर हमारा क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 32 × 1/32 इंटू एल है, ठीक है, 32 × L हो गया, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, सब हमारा सही है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। तो आगे देखिए, आगे हम कर लेते हैं, तो जब हम इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए गुने में है ये, ठीक है, यह है जो गुने में है, तो हो गया 10 × यहाँ पर कितना है 700/3 क्या हो गया 9 32 × L हो गया, ठीक है। सबको जब हम इधर लाएंगे, तो इधर भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा 10 × 700 × 32 × 32/9 हो जाएगा, इंटू हमारा L है, ठीक है। जब आप इसको हल कीजिएगा, तो हमारा आ जाएगा 7964.44, ठीक है, ये हमारा L आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप बात को समझ पाए होंगे, इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को भी हल कर लिया।